आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने YouTube चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लूटूथ के अंदर जब आप किसी भी डिवाइस पे क्लिक करते हो तो वहां पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाती है कनेक्टेड, यहाँ पे देखने को मिल जाता है कॉन्टेक्ट शेयरिंग सेटिंग। तो अगर आप इसे ऑन कर लेते हो तो क्या होता है और इसे ऑफ कर लेते हो तो क्या होता है, वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस सेटिंग को यहाँ पे यूज करना नहीं जानते हो और ब्लूटूथ के माध्यम से आप इंटरनेट शेयर नहीं कर पाते हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके ये वाली वीडियो आप दे सकते हो। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और इसके अंदर मैंने आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाया कि आखिरकार ब्लूटूथ के अंदर से यानी कि ब्लूटूथ से आप इंटरनेट कैसे शेयर कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब यहां पे आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ सेटिंग ओपन कर लेना है, यहां पे देखने को मिल जाएगा। या दोस्तों आपको यहां पे स्क्रीन यानी कि यहां पे आपको ये वाला यानी कि नोटिफिकेशन पैनल नीचे की तरफ करना है और यहां पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ से आपका वो डिवाइस देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वो सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से मैं इस सेटिंग को यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इस सेटिंग को बंद कर दिया तो हमारा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग बंद हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कॉन्टेक्ट शेयरिंग, यानी कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार ब्लूटूथ के माध्यम से आप कॉन्टेक्ट शेयर कैसे कर सकते हो। तो आपको इसे इनेबल कर देना है और उसके डिवाइस में भी आपको जाके आपको ये सेटिंग इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहां पे होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर अपने मोबाइल फोन के कॉन्टेक्ट सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप कॉन्टेक्ट सेटिंग को ओपन कर लेते हो यहां पे आपके सारे के सारे कॉन्टेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार यहां से कॉन्टेक्ट शेयर कैसे करते हैं। तो यहां पे आपके सारे के सारे कॉन्टेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जिस कॉन्टेक्ट को आप शेयर करना चाहते हो ब्लूटूथ के माध्यम से आपको उस कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप उस कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर देते हो तो यहां से वो कॉन्टेक्ट आपका देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां से देखने को मिलेगा शेयर का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो यहां से आपको फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहां पे आपको एक ब्लूटूथ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहां पे आपको करना क्या है, ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। जैसे आप ब्लूटूथ पे क्लिक करोगे यहां से आपका वो डिवाइस देखने को मिल जाएगा। जैसे तो आप इस डिवाइस पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने यानी कि ये आपका यहां से आपका कॉन्टेक्ट शेयर हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने किस तरह का पेज देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर स्क्रीन शॉट लेके रखा है, मैं यहां पर गैलरी को क्लिक करता हूं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा, जैसा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहां पर इस वाले कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर आपको ये सेट करना पड़ेगा कि आखिरकार उस नंबर को जिस नंबर को आपने ट्रांसफर करके लिया है अपने मोबाइल फोन के अंदर उसे आपने किस जीमेल आईडी में सेव करना चाहते हो। अपने जीमेल आईडी पे क्लिक करना है और यहां से आपका वो वही नंबर आपका इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके उसी जीमेल आईडी के अंदर, आपको ओके कर लेना है। तो ऐसे अपने मोबाइल फोन के अंदर आप किसी भी कॉन्टेक्ट को शेयर करके अपने जीमेल आईडी के अंदर सेव कर सकते हो। अगर तो आप चाहते हो कि यार हम अपने मोबाइल फोन के सारे कॉन्टेक्ट दूसरे के मोबाइल फोन पर शेयर करना चाहते हैं या अपने सेकेंड मोबाइल फोन के अंदर शेयर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर बैक करना है। बैक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा थ्री डॉट, आपको इस पर क्लिक करना, आपको देखने को मिलेगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टेक्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे आपको नीचे आना है, यहां पे देखने को मिल जाएगा आपको शेयर कॉन्टेक्ट का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम प्रोसेस पूरा वही रहेगा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे आप एक कॉन्टेक्ट को शेयर करें या अपने सारे कॉन्टेक्ट को अपने सेकेंड मोबाइल फोन के अंदर शेयर करना चाहते हो, पूरा का पूरा वही प्रोसेस आपको कर लेना है। और इस मोबाइल फोन के सारे कॉन्टेक्ट आपको दूसरे के मोबाइल फोन के अंदर या सेकेंड मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आशा करूंगा आज आपको पता चल गया होगा कि आखिरकार ब्लूटूथ के माध्यम से हम कॉन्टेक्ट शेयर कैसे करते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।